तो जब से मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया है और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है, तब से मुंबई इंडियंस की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20I मुकाबले में सूर्य कुमार यादव का फील्डिंग करते समय पैर मुड़ गया और वो इंजर्ड हो गए। लेकिन अब जो उनकी इंजरी को लेकर अपडेट आई है, उसने कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए। ये सीरीज अगले महीने जनवरी में खेली जाएगी। 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच ये सीरीज खेली जानी है और इस सीरीज से सूर्य कुमार यादव बाहर हो गए हैं अपनी इंजरी के चलते। और दोस्तों खबर ये है कि 2 से 3 महीने सूर्य कुमार यादव क्रिकेट से दूर रहेंगे। उनकी इंजरी मेजर इंजरी है जिसमें समय लगेगा, जिसकी वजह से यहां पर मुंबई इंडियंस की तकलीफ बढ़ गई है, परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि मार्च में जो है वो IPL 2024 का जो सीजन है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर IPL 2024 का सीजन मिस करते हैं सूर्य कुमार यादव अपनी इंजरी की वजह से, तो मुंबई इंडियंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हार्दिक पांड्या की, तो जब से हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है मुंबई इंडियंस ने, तब से दोस्तों रोहित शर्मा के जो फैंस हैं वो मुंबई इंडियंस को ट्रोल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मुंबई इंडियंस के फॉलोअर्स भी घट गए हैं। लेकिन अब जो है हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर भी दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ गई। आप जानते ही हैं कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद जो है वो NCA में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे, रिकवर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव की फिटनेस अपडेट आने के बाद कुछ ही घंटों बाद हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर भी दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई है और उसने भी मुंबई इंडियंस की कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा दी है। और जो दोस्तों 16 करोड़ रुपए में हार्दिक पांड्या को खरीदा है मुंबई इंडियंस ने, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बात करें अगर हार्दिक पांड्या की फिटनेस की, तो यहां पर हार्दिक पांड्या भी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या आपके IPL 2024 का सीजन भी मिस कर सकते हैं। अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि हार्दिक पांड्या IPL 2024 का सीजन यानी कि पूरा सीजन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर हार्दिक पांड्या मिस कर जाते हैं अपनी इंजरी के चलते IPL 2024 का सीजन, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए भी दोस्तों बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोस्तों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और ऐसे में IPL 2024 के जस्ट बाद आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाना है। ऐसे में अगर ये दोनों खिलाड़ी IPL नहीं खेलते हैं और इंजर्ड रहते हैं, तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि अगर ये दोनों खिलाड़ी अपने इंजरी के चलते T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाते हैं, तो टीम इंडिया को दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन मुंबई इंडियंस ने क्योंकि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया है, ऐसे में मुंबई इंडियंस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है अगर हार्दिक पांड्या अपनी इंजरी के चलते IPL 2024 का सीजन मिस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी IPL 2024 का सीजन मिस करते हैं अपनी इंजरी के चलते, तो मुंबई इंडियंस के लिए तो दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका है ही, लेकिन टीम इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 में ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी इंजर्ड हो रहते हैं और T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो जाते हैं, तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपके सोचते इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।